जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जो मंत्र जप रहे हो, आप जो माला जप रहे हो, आप जो साधना कर रहे हो, आप जो पाठ कर रहे हो, वह आप पर असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको समझना है। राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करो तो पहले हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर राम रक्षा स्त्रोत करो। शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, इन चार पांच चालीसा को एक साथ कभी नहीं पढ़ना। एक चालीसा यदि आपने पढ़ ली है शुरू में, तो पाठ पूरा होने के बाद जब उठने की तैयारी हो तब दूसरी चालीसा पढ़ दो, बाकी की चालीसा भले आप बाद में पढ़ दो, पर एक साथ चार चालीसा का पाठ नहीं होना चाहिए। पाठ करने बैठे हो, किसी एक मंत्र की माला जप रहे हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपा, या शंकर जी का मंत्र जपा, या गुरु का मंत्र जपा, ये मंत्र जपा या वो मंत्र जपा, उस मंत्र को जपने में बीच में कुछ गैप होना चाहिए। एक साथ रट्टा मार पे ओम नमः भगवते, ओम नमः भगवते, शिव नारायण शिव नारायण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर ये जप लो वो। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव की चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे, वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया, ले लो तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए, केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार, नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सबदुर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो, एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, पांच छह प्रदोष करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, देखने में क्या जा, ना सीवर वाला महाराज कहीं जा रही है ना तुम कहीं जा रहे हो, आ जाना वापिस सही कुबेरेश्वर धाम, तो चढ़ाओ शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो। लिंग पुराण के अंदर और शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया कि भगवान शंकर ने नंदी को वचन दिया था, सुनो नंदी, शंकर भगवान से नंदी कहता है हमारा भरण पोषण कैसे हो, शंकर भगवान कहते हैं नंदी मेरे शिवलिंग पर, यदि कई लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत कथा पर बहुत ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा है, बार बार ऐसी कथा नहीं मिल सकती आपको, सुनोगे आप अपनी जगह पर, बहुत वक्ता हैं, बहुत प्रेम से बांचते हैं, पर जो कथा रसतत्व से आपको मिल जाए उसको ले लीजिए महाराज। कोई वस्तु, कोई भोजन आप बनाकर लेकर गए हो, कोई पकवान आप बनाकर लेकर गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान, वो मिठाई, वो फल टच हो गया तो वो खाने के योग्य नहीं रहता, वो घर पर लेकर मत आना, मंदिर में ही छोड़कर। यदि भोजन पकवान मिठाई शिवलिंग यहां पर है और भोजन का भोग तुमने इतनी दूर से लगाया है, फल इतनी दूर रखा है, वो शिवलिंग पर टच नहीं करा गया है, तो उस प्रसाद को, उस फल को आप पा सकते हो, उसको खा सकते हो, पर जो शिवलिंग पर टच हो गया फिर वो केवल नंदी श्रृंगी भृंगी प्रेतों का, भूतों का, आहूतों का भाग होता है, प्रेत भूत आहूतों का, वो फिर खाने योग्य नहीं है। हाँ, यदि नर्मदेश्वर महादेव हैं, नर्मदा जी के जल से कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, नर्मदा जी के जल से, कोई कंकर से, नर्मदा के जल से अगर कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, उस शिवलिंग की स्थापना कहीं पर है या आपके घर में है, तो उसको कुछ भी टच हो जाए वो पा सकते हो, पर बाकी के शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ नहीं पा सकते, केवल एक नर्मदेश्वर महादेव।
नर्मदा के जल से प्रकट हुए। कई लोग पूछते हैं ये सांप है कौन, ये सर्प है कौन, तो उसको बताओ ये भगवान शंकर के गले में जो एक सांप पड़ा हुआ है ये भगवान विष्णु है। और शंकर भगवान के सिर पर जो जटा में सांप दिखता है वो, हाथ में सांप बंधे रहते हैं वो, दो हाथों में, कमर पर, सिर पर, केशों पर जो सांप पांच नजर आते हैं वो, तो बताओ ये शंकर भगवान की पांच लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरी बारी, दो तली और देव। ये पांचों लड़कियां भगवान शंकर के इर्द गिर्द घूमती हैं, आसपास भ्रमण करती सभी। ये शिव की बेटियां भगवान शंकर के साथ भ्रमण करती हैं, पांच, जया, विषहरा, सामरी बारी, दो तली और देव। ये जो पांच पुत्रियां थी शंकर भगवान की, ये वासुकी को दी गई थी महाराज, क्योंकि ये सर्प की योनि में थी, इसलिए ये वासुकी नाग को प्रदान करी गई थी। वासुकी नाग कौन सा? जिसने मंथन कराया। वासुकी नाग कौन सा? जिसके फण पर पूर्ण पृथ्वी विराजमान है। वासुकी नाग कौन सा? जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कार्य करता रहता है। एक पान के पत्ते के ऊपर, मात्र पान, पान जानते हो, वो खाने वाला जो पान करता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे महाराज, उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब ही जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर पांच बेलपत्र, तीन समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही पड़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा, बच्चे को कभी भी माँ को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठो, खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। पांच बेलपत्र, तीन समी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए, बच्चा विद्या में प्रबल होता है, विद्या प्रकट। भगवान शिव देने वाला है, सरस्वती को सर्वोदय। शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा कहती है कि किसी वृक्ष के नीचे, जिन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्र करते हैं, जिन वृक्षों का गुणगान हमारी पुराणे करती हैं, उन वृक्ष के नीचे अगर एक मंत्र का मन का भी फेरा जाए तो उसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त हो जाता है, आप रूप प्राप्त होता है अपने आप। आप जिस पुण्य को करना चाह रहे, मेरा बहुत निवेदन है महाराज, बहुत प्रयास करा करो, प्रयास करना। अगर हाथ के मनके की माला भी नहीं हो और किसी पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठने का मौका मिल गया, आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठने का मौका मिल गया, किसी आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठे हो, ओम नमो नारायण का मंत्र का स्मरण कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लो, बस उसका फल चौगुना हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। शमी के पेड़ के नीचे बैठे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, चौगुना गुना फल मिलेगा, हजार गुना फल। बेलपत्री के पेड़ के नीचे गए हो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम का जाप करिए, फल मिलेगा। उस फल को हमें पाना है। कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजन बहुत करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम उपासना करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है? हम पूजन तो कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द हुआ, मान लो आपके सिर में दर्द हुआ, अब सिर में दर्द हुआ तो आपने गोली तो खाई, एनासिन भी खाई, क्रोसिन भी खाई, डिस्प्रिन भी खाई, कॉम्बिफ्लेम भी खाई, ना जाने कहां कहां की गोलियां खा गए, सिर में दर्द था और 4-5 तरह की गोली खा गए तुमने, जब तो गोली खा ली और गोली खाने के बाद तुम्हें थोड़ा सा असर भी हो गया, पर इतनी गोलियां जो खाई है तो बाद में रिएक्शन तो करेगी, कुछ तकलीफ तो देगी, कुछ गर्मी तो करेगी, बीपी शुगर ऊंचा नीचा कर सकती है, नहीं पाई। उसी तरह मंत्र, माला, पाठ, जप, अनुष्ठान फल कब देते हैं और फल कब नहीं देते, ये शिव महापुराण की उमा संहिता कह रही है। शिव महापुराण का उमा खंड, पार्वती खंड को अच्छे से पढ़िए, तो उसमें बताया है, उसमें वर्णन किया है। हम पाठ करने बैठे, इतनी बड़ी पोथी लेके लोग बैठ जाते हैं, पहले राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए, गीता जी का अध्याय पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये 40, दुर्गा 40, शिव 40, तांडव, ये वो, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया, वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया, वो मंत्र जप लो, ये वाला देवता ला के अलमारी में रख लो, ने इतनी बड़ी पूजन की अलमारी, बस इतनी बड़ी, ज्यादा से ज्यादा होगी तो इतना बड़ा पूजन का घर, कमरा,
उसमें इतना सारा देवता, रामेश्वर गई तो उनको लिया ही, जगन्नाथ जी गई तो उनको लिया ही, द्वारका गई तो उनको लिया ही, वृंदावन गई तो उनको लिया ही, महाकालेश्वर गई तो उनको लिया ही, सारा देवी देवता वहीं बैठा, पितृदेव, ये देव, कुल देवी, शंख देव, घंटी देव, दिया देव, सब उसी में, गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, सब धरा पड़ा। और पूजन करने सुबह से आई, सुबह से इतनी सी शक्कर लाई कटोरी में, इतनी सी शक्कर कटोरी में, भगवान को नीला धुला के कटोरी धर दी। इतनी बड़ी अलमारी में सारा देवता ऐसा कसा कसा या बैठा है, सारा देवता तीर्थ करने फिर गई। तो गणेश जी शंकर भगवान से बोले, पिताजी फिर जा रही है? शंकर भगवान बोले, बेटा खसक के बैठो, फिर पकड़ के लाएगी किसी को, खसक के बैठ, फिर लाएगी किसी, फिर ले आई, फिर रख दिया। पूजन करने आई, कलश रख दिया मंदिर में, ही ढुल गया भगवान, पूरा गीला हो गया। गणेश जी शंकर जी से बोले, पिताजी पूरा गीला करके चली गई। शंकर भगवान बोले, बेटा अब तो कल ही आएगी, दिया लगा के गई तो गीले में बैठो, अब नहीं आने वाले, और ध्यान देना साबिस देती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।